पुनर्गठन के लिए आम आदमी पार्टी की राज्य एवं रीजनल समितियों के बर्खास्त होने की वजह से पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के इकट्ठे होकर केंद्र सरकार की इस अध्यादेश के खिलाफ सीताबर्डी वैरायटी चौक पर प्रदर्शन किया गया है। यह विरोध प्रदर्शन गुरुवार को शाम 5 बजे सीताबर्डी के वैरायटी चौक पर महात्मा गांधी के पुतले को माल्यार्पण करने के बाद किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अध्यादेश वापस लिया जाए ऐसे नारे लगाए गए। इस वक्त आम आदमी पार्टी के नागपुर शहर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एडवोकेट सीएच शर्मा, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अभी फिलहाल हमारी आम आदमी पार्टी की राज्य समितियां और रीजनल समितियां ये बर्खास्त होने के कारण सभी कार्यकर्ता लोग, क्योंकि पुनर्गठन के लिए बर्खास्त की गई हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ता लोग इकट्ठा होकर आज ये जो मोदी सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया है, 19 मई को जो अध्यादेश लाया है, ये 19 मई को जो अध्यादेश लाया, यह जब 11 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया और चुनी हुई दिल्ली सरकार के क्या अधिकार होंगे। एनबीसीएन न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।